नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की भेड़ाघाट में सरकारी जमीन पर रास्ता निकालने को लेकर दो पक्ष आपस में टकरा गए। इस घटना में दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर डंडे और धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि सहजपुर के पास प्रभु कुशवाहा और नारायण कुशवाहा के बीच सरकारी जमीन पर रास्ता निकालने को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायल नारायण कुशवाहा की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, भेड़ाघाट माने दो पक्षों में विवाद हुआ, क्या कहा? कल सहजपुर बड़घेरा गांव जो थाना भेड़ाघाट में आता है, उसमें प्रभुलाल कुशवाहा और नारायण कुशवाहा के बीच सरकारी जमीन में रास्ते निकालने को लेकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के लगभग 13 लोगों को चोटें आई है। प्रभुलाल और नारायण पक्ष दोनों जब थाने आए तो चोट गंभीर होने से दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुछ घायल जो हैं वो अभी इलाजरत हैं और इसमें विवेचना की जा रही है और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है दोनों पक्षों में उनको इसमें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं खेत जा रहा था दवाई डालने, उन लोगों ने 15 घनों ने छेक छेक। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।